स्थित एक कूड़ेदान में फोर्टीवाल डेंटल कॉलेज का बायोमेडिकल वेस्ट कचरा पड़ा होने से स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया। सीएमओ डॉक्टर कुलदीप चौधरी ने अस्पताल की लापरवाही पर नोटिस भेजने की बात कही है। बायोमेडिकल वेस्ट अधिकारी डॉक्टर आरिफ ने जानकारी देते हुए बताया कि सड़क किनारे बायोमेडिकल वेस्ट कचरे को फेंकना अस्पताल प्रशासन की बड़ी लापरवाही है। नोटिस भेजकर स्पष्टीकरण मांगा जाएगा। शासन स्तर से भी बायोमेडिकल वेस्ट के रखरखाव की जांच पड़ताल करने के लिए टीम बनी है। सरकार भी इस मुद्दे पर गंभीर है। कचरे का निस्तारण अस्पताल की मनमानी से नहीं नियमों के आधार पर होगा। बताते चले कि कोटीवाल डेंटल कॉलेज के बाहर रखे कूड़ेदान में बायोमेडिकल वेस्ट कचरा भारी मात्रा में फेंका गया था, जो गंदगी में छुपा था। कुत्ते उसको खींच रहे थे, जो गंभीर मामला है। इस प्रकरण की जांच सीएमओ को सौंप दी जाएगी। कोटीवाल डेंटल कॉलेज कांट रोड मुरादाबाद का मामला, सड़क किनारे कूड़ेदान में पड़ा है बायोमेडिकल वेस्ट कचरे का ढेर। अस्पताल के बाहर रखा है कूड़ेदान, दो दिनों से नहीं उठा बायोमेडिकल वेस्ट कचरा, खुलेआम सड़क पर बीमारी फैलाने की कोशिश। अस्पताल प्रशासन का ये हाल तो क्या हाल करेंगे झोला छाप डॉक्टर। ये सुबह से ही मतलब हाथों हाथ भर जाती गाड़ी ना, इन सब तो भर जाते। तो रोज यही डालते हो लाकर? नहीं, कभी कभार आता है, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं आता। गाड़ी अंदर नहीं जाती क्या? ना, अंदर नहीं, अंदर नहीं जाती है, बाहर से लेकर जाती है। सर आपका नाम लेना चाहेंगे? मेरा नाम, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद आरिफ है। मैं यहाँ पे सीएमओ ऑफिस में क्वालिटी कंसल्टेंट हूँ, डिस्ट्रिक्ट क्वालिटी कंसल्टेंट, और बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट का मैं यहाँ पे देखता हूँ डिस्ट्रिक्ट में। जी देखिए, हमारे यहाँ पे जो पूरे डिस्ट्रिक्ट में 457 हॉस्पिटल से, जिसमें 71 गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, बाकी 383 प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं। इन सब में जो बायोमेडिकल वेस्ट उत्सर्जित होता है ट्रीटमेंट के दौरान या लैब इन्वेस्टिगेशन के दौरान, उसका निस्तारण यहाँ तीन एजेंसीज जिनको CBWTF बोलते हैं, उनके द्वारा किया जाता है, जिसमें सिनर्जी वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी, जो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल जितने भी हैं उनमें सिनर्जी वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी इसका निस्तारण करती है, जिनका प्लांट मेरठ में है। और बाकी जो प्राइवेट में दो यहाँ पे एजेंसी काम करती हैं, SBM और पुनर्चक्रण के नाम से, वो इन हॉस्पिटल्स में से जो वेस्ट जनरेट होता है उसको डिस्पोज करके अपने प्लांट में लेके जाते हैं, वहाँ पे उसका रिक्वायर अनुसार निस्तारण करते हैं। कितनी कैपेसिटी सर इसकी होती है एक प्लांट में? देखिए, प्लांट की सभी प्लांटों की अलग अलग कैपेसिटी है, और उसमें जो इनके तीनों जो प्लांट लगे हुए हैं इनकी कैपेसिटी जितना हमारा वेस्ट जनरेट होता है उससे कहीं अधिक कैपेसिटी है। जी, हाल के दौरान जिस तरह से दावा किया जा रहा है कि बायोमेडिकल वेस्ट को लेकर पूरा काम किया जा रहा है, उसके बावजूद भी हॉस्पिटलों में और जगह जगह पर बायोमेडिकल वेस्ट प्रॉब्लम रहता है। देखिए, जैसे अगर कहीं पे प्रक्रिया अनुसार निस्तारण अगर नहीं हो रहा है बायोमेडिकल वेस्ट का, तो हमें वहाँ पे अगर जैसे सूचना मिलती है या जैसे हम लोगों की विजिट के दौरान अगर कहीं कोई प्रक्रिया में कमी होती है तो हम उनको नोटिस देते हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए पॉल्यूशन बोर्ड को लिख देते हैं। देखिए, जब भी हमारी टीमें विजिट करने के लिए जाती हैं हॉस्पिटल्स में, तो एक हमने एक मैंडेटरी कर रखा है कि कोई भी टीम जब हॉस्पिटल विजिट करने जाएगी तो वो बायोमेडिकल वेस्ट को निस्तारण की प्रक्रिया को जरूर देखेगी। ठीक है, उसी सिलसिले में हम लोगों ने पिछले महीने में 5 हॉस्पिटल्स के खिलाफ हम लोगों ने मतलब ये नोटिस जारी किए हैं, और जो आपने अभी प्रकरण मेरी नज़र में डाला है कांट रोड पे, तो उसका हमें संज्ञान मिला है, तो हम उसके खिलाफ भी कार्रवाई के लिए नोटिस उनको भेजेंगे प्रॉपर चेक करा के। इसके अतिरिक्त भी जितने भी जो भी हॉस्पिटल्स होंगे बीच बीच में, जहाँ भी कहीं कोई इसका प्रक्रिया का उल्लंघन होगा, उसको उसके खिलाफ एक्शन हम लोग जो नियम के अनुसार एक्शन करेंगे। क्या आपने मामला जाकर माइनर किया था, मामला देखा है हमने, तस्वीर आपको
देखिए उसका प्रॉपर जो आप लोगों ने तस्वीरें भेजी हैं वो वहाँ पे मतलब वहाँ पे उनके डस्टबिन में पड़ा हुआ था, तो अभी उसकी टीम बना के हम पूरा उसका हॉस्पिटल के अंदर जाके उसकी पूरी प्रक्रिया चेक करेंगे कि अभी वहाँ पे कैसे वो निस्तारण कर रहे हैं, और ये अगर पड़ा है तो कहीं ऐसा तो नहीं कि भाई रोज ही इस तरह की चीज़ें हो रही हों, तो उसको पूरा प्रॉपर चेक कराएंगे और आपको मतलब आपको और पब्लिक को इंश्योर करना चाहेंगे कि बिल्कुल हम प्रक्रिया अनुसार उसको अगर जो निस्तारण नहीं करेगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। देखिए हमारे यहाँ पे जो प्राइवेट सेक्टर के 383 हॉस्पिटल्स रजिस्टर्ड हैं उन हॉस्पिटल्स के अंदर ये प्रक्रिया अनुसार इसका निस्तारण होना चाहिए, ठीक है, हाँ प्रक्रिया अनुसार निस्तारण होना चाहिए, और उसमें बीच बीच में हम लोग जब हमारी टीमें जाती है तो चेक भी करती है, जहाँ कमी होती है उनको पूर्व में भी उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी और भविष्य में भी पूरी कार्रवाई करेंगे उनके खिलाफ। सर नाम क्या है जी? आपने जो अभी पीछे कल वो भेजा था वो कोठीवाल डेंटल कॉलेज है, तो उसके बाहर डस्टबिन में वो कुछ वेस्ट की आप मतलब फोटोग्राफ्स उन लोगों के पास में आए थे, ठीक है, तो उसको चेक करा रहे हैं, चेक करा के पूरा उसको नोटिस अच्छे से उसको मतलब उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, ऐसा नहीं।